जानकारी में सूचना मिली थी कि जगदीशपुर के रोड से एक गाड़ी जो विदेशी शराब का कंटेनर लेकर के आ रही थी और ये गाड़ी मधेपुरा साइड के लिए जा रही थी क्योंकि उस गाड़ी का मधेपुरा नंबर था। तो गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और टीम के गठन करने के पश्चात छापेमारी की गई और वाहनों की सघन तलाशी की गई। तलाशी के क्रम में इस वाहन को वंशी टिकर के पास चेक किया गया और चेक करने के बाद इस गाड़ी वाहन से 47 पेटी इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब पकड़ाया गया है। सर कौन गाड़ी है, क्या मॉडल में, क्या किस टाइप का गाड़ी है बना हुआ? ये कंटेनर गाड़ी है और एक सेटिंग गाड़ी है जिसमें इसके लंबाई के 2 फीट उसको सेट करके इसको गाड़ी को बनाया गया, इसका डिजाइन दिया गया है और उसी में ये शराब रख करके ये ले जाया जा रहा था मधेपुरा। ऐसे किस चीज के लिए यूज में आती है ये गाड़ी? ऐसे एक्चुअली रूप में चूंकि कंटेनर गाड़ी है तो इसका बहुत सारे चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि डाक पार्सल हो गया, आपको जो भी फ्रूट्स वगैरह हो गया, डिब्बा बंद जो भी चीज जो है उसको ले जाया जा सकता है, तो इसमें बहुत तरह से उपयोग किया जा सकता है जी। पार्सल गाड़ी के आर में भी पार्सल का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सब गाड़ी जो है आजकल इसी गाड़ी का उपयोग सेटिंग गाड़ी कर करके इसमें विदेशी शराब ढोने का कार्य आजकल किया जा रहा है। गिरफ्तारी एक गिरफ्तारी है जिसका नाम ये आपका रजनीश गिरी है, एक्चुअली रोहतास जिला का रहने वाला था और इसको बोला गया था कि गाड़ी ये हमको नौगछिया डंप करा दीजिए और उसके बाद से वहां से कहां जाएगी इसकी कोई सूचना नहीं गई थी, चूंकि गाड़ी की मधेपुरा गाड़ी का नंबर है इसलिए आशा की जाती है गाड़ी मधेपुरा जाएगी। कहां से कहां शराब लाया जा रहा था, कहां से? ये ड्राइवर के जो बयान लिया गया है उस बयान से मालूम चला कि ये गाड़ी ड्राइवर को दिया गया था हल्दिया में, तो संभवतः ये गाड़ी जो है वो झारखंड से माल लेकर के ये मधेपुरा जा रही थी। उमाशंकर प्रसाद, अधीक्षक उत्पाद, भागलपुर।